कौवा और सुंदरी कवि रहते थे। कालू जी, आप ना मेरे लिए सिर्फ सूखे दाने ही लाते हो, कुछ अच्छा भी लाया करो। तुम तो अपने घोंसले में बैठी रहती हो, कल से खुद ही निकलो भोजन की तलाश में, तभी तुम्हें पता चलेगा कि सूखे दाने भी इतने आसानी से नहीं मिलते। अरे कालू जी, आप तो नाराज हो गए, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, मुझे सूखे दाने बहुत पसंद हैं, मैं सूखे दाने ही खा लूंगी। तो सुंदरी, चुपचाप सूखे दाने खा लो। इस तरह से वो दोनों सूखे दाने खा लेते हैं। कालू जी, आज मेरी सहेली आई थी, वो कह रही थी कि उसके जंगल में जामुन के बाग हैं और वो उन जामुनों को चोरी करके खाती है। तुम्हारे दिमाग में तो कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती रहती है। चलो ठीक है, मैं कल जाऊंगा उस बाग में, मगर मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त कालू जी, वो भी मेरे साथ? मेरा शर्त यह है कि कल उस जामुन के बाग में तुम भी मेरे साथ चलोगी। अरे सुंदरी, मुझे तो उस जंगल का रास्ता भी नहीं पता, तो तुम ही चलो मेरे साथ। ठीक है कालू जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मगर मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो जामुन का बाग है कहाँ। अगर आप कहे तो मैं मेरी सहेली को भी हमारे साथ ले आऊंगी, मगर वो है बड़ी लालची। फिर सुंदरी कवि कालू को लेकर अपनी सहेली के पास जाती है। तुम तो कह रही थी ना, यही पर कहीं जामुन का बाग है, हमें ना रास्ता मालूम नहीं है, अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो जामुन हम चुरा लेंगे और तीनों बांट कर खाएंगे। सुंदरी की सहेली को ये सौदा अच्छा लगता है। ठीक है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, मगर मेरी भी एक शर्त है। तो बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? मैं तुम्हारे साथ तो जरूर आऊंगी, मगर जामुन के पेड़ से भी दूर रहूंगी, वहाँ पर उल्लू रहते हैं, वो बाग उल्लूओं का है। ठीक है। फिर वो तीनों मिलकर जामुन के बाग में जाते हैं। सुंदरी की सहेली को तो जामुन का बाग का रास्ता मालूम था, वो सीधा जामुन के बाग के पास ही चली जाती है। मैं यहीं पर बैठती हूँ, जाओ तुम दोनों उन जामुनों को चुरा कर लाओ। सुंदरी कवि और कालू कौवा जामुन चुराने के लिए चले जाते हैं। अरे कितने मीठे हैं ये जामुन कालू जी, मैंने तो अपनी जिंदगी में इतने मीठे जामुन कभी नहीं खाए। हाँ सुंदरी, सच में जामुन तो बहुत मीठे हैं। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी बात मानकर यहाँ आ गया। कालू जी, मैं अपनी सहेली को कुछ जामुन देकर आती हूँ, बाद में हम दोनों मिलकर अपने हिस्से का जामुन तोड़ लेंगे। और सुंदरी कवि उस जामुन को लेकर अपनी सहेली के पास जाती है। ए लो तुम्हारे हिस्से के जामुन, अब मैं और कालू जी जामुन को तोड़ कर ले आएंगे, तो उसमें हम तुम्हें एक भी जामुन नहीं देने वाले। सुंदरी और उसकी सहेली बैठकर बातें ही कर रहे थे कि वहाँ पर उल्लू आ जाते हैं, मगर वो सुंदरी को नहीं देखते, वो सीधा जामुन के बाग में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ कालू कौवा बिंदास होकर जामुनों को खा रहा था। अरे देखो उल्लू आ गए, वो तो सीधा बाग की तरफ चले गए, अब तो कालू की खैर नहीं। सुंदरी, अगर तुम अपने पति को बचाने जाओगी तो कालू के साथ साथ वो तुम्हारी भी पिटाई कर देंगे, भलाई इसी में है कि यहीं पर बैठकर तमाशा देखो अपने पति की पिटाई का। सुंदरी कवि अपनी सहेली की बातें सुनकर चुप बैठ जाती हैं। तेरी इतनी हिम्मत की तू हमारे बाग का जामुन चुरा कर खा रहा है? क्या ये जामुन तुम्हारे बाप ने लगाया है जो बिंदास होकर जामुन चुरा कर खाए ही जा रहा है? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या था, वो उल्लू कालू की जमकर पिटाई करने लग जाते हैं और कालू वहाँ से मार खा कर भाग जाता है। कालू के पीछे पीछे सुंदरी भी आ जाती है। सुंदरी, ये सब तुम्हारा ही प्लान है और मुझे पीटते देख तमाशा देख रही हो, और कहाँ है तुम्हारी सहेली?
वो तो कब की भाग गई है कालू जी। भागेगी ना, तूने जो उसे जामुन जो दे दिया है। आप घर चलिए कालू जी। फिर कालू और सुंदरी अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ सुंदरी की सहेली मजे से जामुन खा रही थी। ये जामुन तो कितने मीठे हैं। बेचारा कालू कौवा बिना जामुन खाए ही उल्लुओं से मार खा गया। फिर अगली सुबह भी हो जाती है। अरे ये जामुन तो सड़ गए हैं। मैंने तो सिर्फ 4 जामुन ही खाए थे। फिर से सुंदरी के पास जाती हूँ और उसे कहती हूँ कि आज फिर से जामुन तोड़ने जाएंगे। सुंदरी की सहेली सुंदरी के घर जाती है। अरे कालू, तुम्हें देखकर नहीं लग रहा है कि तुम पिटे हो, अच्छे खासे लग रहे हो। मैंने इन्हें गर्म पानी से सेका है और तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे लगा कि आज शायद फिर से तुम दोनों जामुन तोड़ने जाओगे, तो मुझे भी साथ ले जाओ ना। कल तो हमें रास्ता नहीं पता था, इसीलिए तुम्हें हम साथ ले गए थे। अगर मैं आज गया भी तो तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा। देखो सुंदरी, तुम्हारा पति मुझे ले जाने के लिए मना कर रहा है। तुम दोनों ये बात मत भूलो कि वो जामुन के बारे में मैंने ही तुम्हें बताया था। मेरे पास एक प्लान है, आज हम इकट्ठे होकर ही चलते हैं। आज तुम दोनों जामुन चुराने जाना और मैं ध्यान रखूंगी उन उल्लुओं पर। फिर कल कालू तुम ध्यान रखना उन उल्लुओं पर, मैं और सुंदरी जाकर जामुनों को तोड़ लाएंगे। अरे वाह, मेरी सहेली ने तो बड़ा अच्छा प्लान बनाया है। मगर याद रखना, कल जामुन चुराने तुम ही जाओगी, कहीं ऐसा ना हो कि आज जामुन खाकर कल अपना वादा भूल जाओ। अरे हाँ बाबा हाँ, कल जामुन चुराने की बारी मेरी। और वो तीनों जामुन के बाग की ओर चले जाते हैं। फिर सुंदरी की सहेली एक पेड़ पर बैठ जाती है। कालू और सुंदरी जामुन को चुराने के लिए जामुन के बाग में चले जाते हैं। सुंदरी तुम जामुन तोड़ती रहो, मैं जाकर तुम्हारी सहेली को जामुन देकर आता हूँ। क्यों जी, आप मेरी सहेली को जामुन देने क्यों जाओगे? मैं हूँ ना, मैं जाऊँगी उसे जामुन देने। नहीं, मैं जामुन देकर आता हूँ, अगर कल की तरह तुम मुझे छोड़कर भाग गई तो, इसीलिए मैं जामुन देने जाता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा उन जामुनों को लेकर सुंदरी कवि के सहेली के पास चला जाता है। ये लो जामुन, इन्हें खाकर यहीं पर निगरानी रखो। ठीक है। कालू ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। कालू और सुंदरी उन जामुनों को पेट भर के खा लेते हैं और थोड़े घर ले जाने के लिए तोड़ने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर उल्लू आ जाते हैं। सुंदरी की सहेली जामुनों को खाने में इतना बिजी थी कि उसने उल्लू को आते देखा ही नहीं। फिर क्या था, इस बार वो उल्लू कालू और सुंदरी की जमकर पिटाई करने लग जाते हैं। अरे मैं तो जामुन खाने में इतना बिजी थी कि न जाने ये उल्लू बाग में कब आ गए, जल्दी से भाग जाती हूँ। और वो वहाँ से भाग जाती हैं। अरे ये देखो, कल तो सिर्फ ये अकेला आया था, आज तो अपने दोनों गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले आया है। एक गर्लफ्रेंड तो भाग गई, अभी तुम दोनों भी भाग जाओ, आइंदा यहाँ पर दिखाई दे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उल्लू भैया। ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। कालू सुंदरी को लेकर सीधा सुंदरी के सहेली के पास जाता है। अरे तुम दोनों आ गए, क्या उल्लुओं ने तुम्हें ज्यादा पीटा? अरे वो सब छोड़ो, कल जामुन तुम चुराओगी और हम रखेंगे उल्लुओं पर ध्यान। ऐसा कहकर सुंदरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन वो तीनों मिलकर जामुन के बाग में जाते हैं। इस बार वो दोनों उल्लू वहीं पर छुपे बैठे थे।
अरे कल ही हमें इनको कहा था कि यहाँ पर मत आना, मगर ये तो हमारी बात को अनसुना करके फिर से यहाँ आ गए। अरे भाई, आपने वो कहावत नहीं सुनी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिर क्या था, सुंदरी की सहेली जामुन तोड़ने चली जाती है और इधर वो उल्लू सुंदरी और कालू को पकड़कर पिटाई करने लग जाते हैं। ये सब देखकर सुंदरी कवि की सहेली हर बार की तरह इस बार भी भाग जाती है। एक जंगल में दो तरबूज के खेत थे। एक खेत बबलू चिड़ा और रानी चिड़िया का था और दूसरा खेत कालू कौवा और सुंदरी कवि का था। उन दोनों के खेत अगल बगल में ही थे। रानी चिड़िया और बबलू चिड़ा अपने तरबूज के खेत का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और उनके पौधों में फूल निकल आए थे और जल्दी ही तरबूज भी निकलने ही वाले थे। वो देखो रानी चिड़िया, कितने मजे से कालू और सुंदरी खराटे ले रहे हैं। हाँ बबलू जी, हर समय बस जहाँ देखो वहीं पर सो जाते हैं ये कौवे। मैं जाकर उन्हें उठा देती हूँ। कालू भैया, सुंदरी बहन, उठ जाइए, देखे तो हमारे पौधों में फूल निकल आए हैं और जल्दी से तरबूज भी लग जाएंगे। हमें इन पौधों को पानी डालना होगा। फिर कालू और सुंदरी उठ जाते हैं। अरे हमें कोई आराम से सोने भी नहीं देता। क्या हुआ चिड़िया, इतना क्यों शोर मचा रही हो? देखिए ना, हम दोनों के खेत में तरबूज के फूल लगे हैं। तो मैं उन फूलों को तोड़कर अपने सर पर सजाऊं? नहीं सुंदरी बहन, मैंने ऐसा कब कहा। मेरी माँ कहती थी कि जब तरबूज के पौधों में फूल लग जाएं तो हर रोज उन्हें पानी देना चाहिए, तभी तरबूज मीठे मीठे लगते हैं। अगर उन तरबूजों के फूलों को पानी अच्छी तरह से नहीं डाला तो वो तरबूज फीके हो जाते हैं। तुम पानी डालकर अपने तरबूज को मीठे करो और अब हमें शांति से सोने दो, बाद में हम उठकर अपने पौधों को पानी डाल देंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा और सुंदरी कवि फिर से सो जाते हैं। फिर रानी चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ रानी चिड़िया? बबलू जी, वो कौवे तो बहुत आलसी हैं। मैं तो गई थी उन्हें उठाने, मगर वो तो मुझे ही सुनाकर फिर से सो गए। हाहा, मुझे पता था कि वो आलसी है, वो अपने पौधों को पानी कभी नहीं डालेंगे। देख लेना रानी चिड़िया, अब हमारे पौधों को पानी डालो। फिर बबलू चिड़िया और रानी चिड़िया अपने पौधों को बहुत अच्छे से पानी डालते हैं। फिर वो दिन आ ही जाता है, बबलू चिड़िया के खेत में बड़े बड़े तरबूज लग चुके थे। तरबूज तो काफी बड़े हैं चिड़िया, मगर ये मीठे है या नहीं इसे काट कर देख लेता हूँ। हमारे तरबूज बहुत मीठे होंगे बबलू जी, आप देखना, हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अम 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 अम, अरे वाह, हमारे तरबूज तो सच में बहुत मीठे है, हमारी फसल सबसे अच्छी है। हाँ बबलू जी, सच में तरबूज तो बहुत स्वादिष्ट और मीठे हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे के भी तरबूज के पौधों में बड़े बड़े तरबूज लग चुके थे। अरे वाह कालू जी, हमारे तरबूज तो बहुत बड़े बड़े लगे हैं। हमें इन तरबूजों को ज्यादा दाम में बेचना होगा। पहले काट कर खाते हैं सुंदरी, मुझे तरबूज खाकर देखना है। फिर कालू कौवा एक तरबूज को काट कर सुंदरी कवि को देता है। अरे छी छी कालू जी, ये तरबूज तो पूरी तरह से फीका है, इस तरबूज को हम खुद नहीं खा सकते तो ग्राहक कैसे खाएंगे, इसका स्वाद तो बहुत खराब है। कालू के तरबूज तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं थे। अरे सुंदरी, अभी हम क्या करेंगे, हमारे साथ तो बहुत बुरा हो गया, अभी कोई हमारे तरबूज नहीं खरीदेगा, अभी सारे पक्षियाँ उस बबलू चिड़ा के तरबूज ही खरीदेंगे। फिर जंगल में ऐसा ही होता है,
सारे जंगल की पक्षियाँ बबलू सीडा से ही तरबूज खरीदने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे के तरबूजों को कोई खरीदने नहीं आ रहा था। तरबूज ले लो, तरबूज, मीठे मीठे तरबूज। कालू जी, सुबह से शाम हो गई, मगर हमारे तरबूज तो बिक ही नहीं रहे हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं? फिर वहाँ पर कबूतर आता है। अरे कबूतर, मीठे मीठे तरबूज घर ले जाओ, इस तरबूज को खाकर भाभी जी बहुत खुश हो जाएंगी। तो ठीक है, पहले मैं चेक करता हूँ कि तुम्हारे तरबूज मीठे है या नहीं। ठीक है बाबा। कालू कौवा एक तरबूज का टुकड़ा काटकर कबूतर को चखने को देता है। अम, 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 अम। ये तरबूज तो पूरी तरह से फीके है, ये तरबूज तो मैं नहीं खरीदूंगा। अगर मैं ये तरबूज को बिना चखे घर ले जाता तो मेरी पत्नी मुझ पर गुस्सा होकर मुझे घर से बाहर निकाल देती। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बबलू चिड़ा के सारे तरबूज बिक जाते हैं और वो वापस अपने घर चला जाता है। रानी चिड़िया, ये देखो, मैंने सारे तरबूजों को बेच दिया है, ये लो मुनाफा। आज मुनाफा कुछ ज्यादा ही हुआ है, संभाल कर रखना। अगले दिन कालू कौवा रोते रोते अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे सारा तरबूज का फसल खराब हो चुका है, मेरे तरबूज फीके हैं, मार्केट में कोई भी मेरा तरबूज नहीं खरीद रहा है, सारे जंगल के पक्षियाँ उस बबलू चिड़ा से तरबूज खरीद रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कालू, तरबूज मीठे नहीं है? क्या तुमने अपने तरबूजों के पौधों में पानी नहीं डाला था कालू? नहीं मामा जी, मैंने और सुंदरी ने किसी पौधे को पानी डाला ही नहीं। आप तो जानते ही हो, मुझसे मेहनत का काम नहीं होता। अरे कालू, इतना आलस सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये लो केमिकल। ये केमिकल हर एक तरबूज में एक टीका लगा देना, फिर देखना तुम्हारे तरबूज लाल लाल और मीठे मीठे हो जाएंगे। अपने मामा जी का सुझाव सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है। फिर कालू सीधा उस केमिकल को लेकर अपने तरबूज के खेत पर जाता है और सुंदरी को भी सारी बात कहता है। अरे कालू जी, मामा जी ने जो तुम्हें केमिकल दिया है वो जल्दी से इन तरबूजों पर डालो। फिर कालू उस केमिकल को सारे तरबूजों में लगा देता है। अब देखना सुंदरी, अभी हमारे तरबूज भी बबलू चिड़ा के तरबूजों से भी ज्यादा मीठे हो गए। फिर अगले दिन सुंदरी बड़ी जोरों से आवाज लगाती है। तरबूज ले लो, तरबूज, मीठे मीठे तरबूज, सबसे सस्ते में दे रही हूँ तरबूज, तरबूज ले लो, तरबूज। सुंदरी की आवाज सुनकर फिर तोता वहाँ पर आता है। आइए तोते भाई, हमारे मीठे मीठे तरबूज को खा कर देखिए, अगर एक बार हमारे तरबूज को खाएंगे तो मुंह का स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। आम, 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 आम। कैसा है तोते भाई हमारा तरबूज का स्वाद? सुंदरी बहन, आपके तरबूज तो बबलू चिड़ा से भी ज्यादा मीठे है, खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसा कहकर तोता अपने घर चला जाता है। अरे ये मेरे गले को क्या हो गया है, मेरे गले में दर्द क्यों हो रहा है? कालू के तरबूज खाने से पहले तो मेरा गला बिल्कुल ठीक था, इसका मतलब कि सुंदरी और कालू ने जरूर उस तरबूज में कुछ मिलाया होगा। तोता गले में दर्द की वजह से रात भर सो नहीं पाता और अगली सुबह होते ही तोता डॉक्टर बुलबुल जी के पास जाता है। डॉक्टर बुलबुल तोते का चेकअप करती है और तोते से कहती है, तुमने कोई जहरीली चीज खा ली है तोते, जिसके कारण तुम्हारे गले में इन्फेक्शन हो गया है। मैंने इन्फेक्शन को निकाल लिया है, तुम ये दवाई ले लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। डॉक्टर, मैंने कल कालू के दुकान से तरबूज खाया था, तभी से मेरे गले में दर्द होना शुरू हो गया है।
तो जरूर उन्होंने तरबूज में कुछ ऐसी चीज मिलाई होगी जो सब पक्षियों को हानिकारक है। ये बात सुनकर तोते को बहुत गुस्सा आ जाता है। तोता सीधा बबलू चिड़ा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अरे तोते, मुझे सच में लगता है कि कालू ने जरूर तरबूजों में केमिकल मिला दिया होगा, क्योंकि वो कालू कौवा बहुत आलसी है। जरूर उन्होंने तरबूज पर पानी नहीं डाला होगा, जिसके कारण उनके तरबूज फीके हो गए, इसलिए उन्होंने केमिकल को आजमाया होगा। फिर तोता और बबलू चिड़ा कुछ जंगल के पक्षियों को इकट्ठा करके कालू के खेत में जाते हैं और वो सब पक्षियाँ देख लेते हैं कि कालू कौवा केमिकल को तरबूज में लगा रहा था। अरे वाह कालू, तो तुम्हारे तरबूज इस तरह से मीठे हो जाते हैं। चलो पक्षियों, इस कालू को ऐसा मारेंगे कि उसे उसकी नानी याद आ जाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। हम जो मेहनत करते हैं आपके लिए नए वीडियो बनाते हैं, उसके लिए लाइक तो बनता है। बाय बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।